T1 जो टेम्परेचर आ रहा है वो इस रिजर्वायर का है, T1 इस रिजर्वायर का टेम्परेचर है, T2 जो है वो इसका इसका टेम्परेचर है, ये लगा हुआ T2, और T3 जो है वो हमारा T4, ये रहा T4, T5, और ये हो गया T6, ये हो गया T7 और T8 ये लगा हुआ। यहाँ से जो ना वाटर की शॉवरिंग हो रही है। फरहान भाई कंटिन्यू पानी डालना है इसके अंदर, और अभी इसको इसकी रिक्वायर्ड है पानी की। ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं 32.5 हो गया, 35 पे आके ये रुक जाएगा। मैंने आपको बताया था इसको मैंने सेट किया हुआ 35 के ऊपर। अच्छा देखें, ये हो गया 33.9 हो गया, 34 के करीब ये आने वाला है। जब ये 35 हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा दोनों हीटर्स को, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये T1 जो है 35 पे सेट किया था, ये 35 हो चुका है। अब मैं हीटर यहाँ से बंद कर देता हूँ, 1 2, ये दोनों हीटर मैंने बंद कर दिए हैं। अब हम इसको रन करेंगे। जब मैं रन करूँगा तो क्या होगा, ये वाटर फ्लो रेट है, यहाँ पे पानी शो हो जाएगा क्या फ्लो रेट है, और ये एयर की डेंसिटी बताएगा, जो हमारा ब्लोअर चल रहा है उसकी डेंसिटी वगैरह ये बताएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा CFM है। CFM मतलब हमें कितनी एयर फ्लो करवाना है उसके अंदर, टावर के अंदर, कूलिंग टावर के अंदर कितनी एयर फ्लो करवाना है वो यहाँ से कंट्रोल होगी, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये हमने ब्लोअर ऑन कर दिया, यहाँ से हम CFM कंट्रोल कर रहे हैं। 320 के ऊपर मैंने इसको सेट कर दिया है, और ये मैं वाटर पम्प स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वाटर पम्प स्टार्ट किया, यहाँ पे शॉवरिंग होना शुरू हो गई है, यहाँ शॉवरिंग हो रही है, कूलिंग टावर काम कर रहा है। और नीचे दिखाऊँ, यहाँ से ये सामने आप देख रहे हैं ब्लैक वाला, यहाँ से एयर आ रही है, और यहाँ से ये ऊपर एयर जा रही है, ऊपर से गर्म पानी आ रहा है ये टावर के अंदर से, और ये वापस पानी कहाँ जा रहा है, रिजर्वायर के अंदर, रिजर्वायर में जा रहा है। अब देखें, ये आप देख रहे हैं टेम्परेचर जितने भी हैं ये सारे रीच कर गए अपने आप, जो ना ये चेंज हो गए, तो मतलब ये हीट ट्रांसफ़र का अमल एक हो रहा है यहाँ पर।